हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे, क्लास 11 मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं क्लास 10th मैथ क्लास 10th एग्जामिनेशन बोर्ड आपका अच्छा गया होगा और आप क्लास 11 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन टाइप में। सेट वर्ड आपके लिए कुछ नया नहीं है, सेट बहुत ही पुराना वर्ड है, शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं हम। वॉवेल, कंसोनेंट, ये सारी सेट के रूप में डिफाइन है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें सेट के रूप में डिफाइन है। आज हम उसी सेट को एक नया डिफिनेशन दे देंगे, नए रूप में अपने वर्ड में बोल देंगे, बस यही सेट है। तो सेट की डिफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सेट इज ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कनेक्शन, अच्छे से इंफॉर्मेशन, एक अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। सेट एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं ए ई आई ओ यू, तो ये आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स वॉवेल हैं, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल के तौर पे बोल दिया जाए तो क्लास के अभी मैं बोल दूं कि क्लास के अच्छे बच्चों का कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास में कोई बच्चा या नहीं है, सभी बच्चे अच्छे ही हों, या सभी बच्चे अच्छे हों वह उनके गुण पर निर्भर करता है, उसके प्रॉपर्टी पे। हो सकता है कोई बच्चे पढ़ने में अच्छे हों, हो सकता है कोई बच्चे खेलने में अच्छे हों। तो क्लास में सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे के अलग अलग प्रॉपर्टी है। हम यह नहीं कह सकते क्लास में कि क्लास में अच्छे बच्चों का जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, ये नहीं। हाँ, यह बोल दो कि क्लास 11th के स्टूडेंट का कलेक्शन, यदि आप एक मैथ सेक्शन में बैठे हो तो मैं बोल दूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट का कलेक्शन, तो ये आपका एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। वेल डिफाइंड मतलब जो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो वे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। और एग्जांपल ले लिया जाए तो बोल दिया जाए कि आपके गांव के अच्छे लोगों का कलेक्शन, यह भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। यह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि गांव में बहुत से अच्छे लोग हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। कोई बात करने में अच्छा है, कोई काम करने में अच्छा है, तो हम वहां पर यह नहीं कह सकते कि गांव में अच्छे लोगों का कलेक्शन वेल डिफाइंड सेट होगा। नहीं, तुम्हें भी समझ में आया होगा कि सेट क्या होता है। ठीक है, किसी भी आदमी को उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार पर हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट उसको नहीं, एक सेट के रूप में नहीं डिफाइन कर सकते। अब आइए सेट के नोटेशन को देखते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट का नोटेशन, सिंबल जो है सेट का, नोटेशन सेट का जो नोटेशन है, सिंबल है,
उसको मैं हम इस तरह नोटेट शो कर दे, कर्ली ब्रैकेट में, इसके बीच में क्या होते हैं ये होते हैं आपके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेट की डिफिनेशन समझ में आई और सेट का सिंबल समझ में आया। यदि आप इस सिंबल की जगह पे ऐसा सिंबल लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। सेट को हम इसी सिंबल के द्वारा ही दिखाते हैं। ओके, आगे आते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम आपके सामने रखेंगे, उन सारे एग्जांपल से आप अपने सेट के कंसेप्ट को, सेट के थ्योरी को क्लियर कर सकेंगे। आगे देखिए, मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल दूं क्लास 11th के स्टूडेंट के फर्स्ट लेटर का कलेक्शन लिखिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी सी डी ई ए सी। हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट लिए, मान लेते हैं कि इतने स्टूडेंट हैं क्लास 11th में और उनके नेम का फर्स्ट लेटर किसी का ए से, किसी का बी से, किसी का सी से ऐसे स्टार्ट होता है। हमने यहां पर दो ए और दो सी लिखा, ऐसा क्यों? कि हो सकता है कि एक ही क्लास में एक लड़का अभय नाम का हो और एक लड़का अजय नाम का हो, तो उसको शो करने के लिए हम दो बार ए नहीं लिखते। नहीं, सेट में हम ऐसा नहीं करते। सेट में यदि हमको इसको नोट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इसको ए वन और इसको ए टू शो करेंगे। एक ही लेटर बार बार नहीं आएगा। ये आपका सी वन, ये सी टू, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 0 1 3 0 2 1, तो नहीं, ये गलत है। हम एक ही सेट के अंदर दो तक एक ही नंबर दो बार या तीन बार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। यदि रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर ए वन ए टू या फिर सी वन सी टू की तरह रिप्रेजेंट किया। आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। हम लोग का 6th, 7th, 8th, 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर। वहां पर नेचुरल नंबर का भी कलेक्शन है जिसको हम यंग से दिखाते हैं। यंग्स मींस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आपका 1 2 3 4 ऐसे आएगा, ये सारे किस में आएंगे? आपके नेचुरल नंबर में आएंगे। और मान लीजिए हम होल नंबर लेते हैं, तो होल नंबर में जिसको हम W से दिखाते हैं, तो होल नंबर में हम नेचुरल नंबर को जीरो के साथ रिप्रेजेंट कर दें, 1 2 3 4, ये आपका होल नंबर आएगा, एक कलेक्शन आ गया आपका होल नंबर का। ओके, ऐसे भी आपका इंटीजर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स का आपका सेट है। मान लीजिए मैं रियल नंबर का कलेक्शन हूं, एक इंटीजर लेता हूं, इंटीजर का जिसको हम आई से दिखाते हैं, तो इंटीजर का जो सेट होगा वो आपका -1 0 2 3 ऐसे हो सकता है, -2, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। इंटीजर माइनस में भी होते हैं और इंटीजर पॉजिटिव में भी होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास 9th और 10th में इस सब के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे।
रियल नंबर का कलेक्शन लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर का कलेक्शन लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग फाइंड कीजिएगा कि 10/3 यह रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा। 10/3 रेशनल नंबर या इरेशनल। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा आज उससे संबंधित होमवर्क क्वेश्चंस आपको मिलेगा, आप उस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। अभी तो हमने सिंबल देखा, एग्जांपल देखा, अब देखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। तो सेट को हम लोग टू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का, कौन कौन सा? पहला मेथड है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इस दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन से हम सेट को दिखाते हैं। अब ये दोनों क्या है, तो इसके डेफिनेशन में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि रोस्टर फॉर्म में सेट की कंपोनेंट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जैसे कि जब सेट की कंपोनेंट को सेट के साथ लिख देते हैं, जब सेट के कंपोनेंट को सेट के साथ लिख देते हैं, तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं ए ई आई ओ यू, ये जो सेट की कंपोनेंट हैं, ये सेट के साथ लिखे गए हैं, ये आपका रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म हो गया। यदि हम इसी को इसके प्रॉपर्टी के रूप में लिखें, इसके गुण विशेष प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दें, तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी यदि सेट के कंपोनेंट को उसके प्रॉपर्टी के फॉर्म में, उसकी एक विशेष गुण के फॉर्म में लिख दें, तो वह आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, यक्स सच दैट, यक्स इज क्या है ये सर, वॉवेल नंबर, वॉवेल वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, या हम बोल सकते हैं इसको ना। तो एक मिनट, ओके, तो हमने इसी को यक्स सच दैट, इसको बोलते हैं यक्स सच दैट, यक्स सच दैट, यक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एंड ये इंग्लिश के, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, वॉवेल है, यह इनकी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो जब सेट की कंपोनेंट को सेट के साथ लिख देते हैं, तो यह इसका रोस्टर फॉर्म होता है। जब सेट की कंपोनेंट को उसकी एक विशेष प्रॉपर्टी, विशेष गुण के, उस सेट की कंपोनेंट को उसके विशेष गुण के रूप में लिखते हैं, विशेष प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो वह आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। बस इतना माइंड में सेट करना है आपको कि प्रॉपर्टी के फॉर्म लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, कंपोनेंट को लिख देंगे तो उसका
रोस्टर फॉर्म होगा। ये दो रिप्रेजेंटेशन होता है आपका सेट का। अब हम लोग इन दोनों रिप्रेजेंटेशन पे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एट लास्ट आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो 15 से कम सारे नेचुरल नंबर का सेट तैयार करना हो, यदि हम उसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ध्यान दीजिए सेट को लिखने के लिए कुछ हम लोग वर्ड को भी यूज करते हैं, वर्ड का। तो यदि हम कैपिटल वर्ड लिख रहे हैं ए बी इस तरह एक्स वाई जेड, तो मतलब ये सेट की वैल्यू को नोटेट करने के लिए है। कैसे देखिए ए इज इक्वल टू ऐसे, अब हम ए के अंदर वैल्यू को लिखेंगे। तो हमने कहा कि 15 से लेस सारे नेचुरल नंबर का हमको सेट तैयार करना है, दोनों फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में, किससे कम 15 से कम। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये आपका लिखा किस फॉर्म में है, ये है आपका रोस्टर फॉर्म में। यदि इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 16, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, लेस देन 16। या तो हम इसी को ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, यस यस सच दैट यस वेयर यक्स इज नेचुरल नंबर, यक्स क्या है नेचुरल नंबर और किससे छोटा है, तो यक्स इज लेस देन 16। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 15 वेयर x इज नेचुरल नंबर। ये दोनों ही आपका सही है, यह भी सही है और यह भी सही है, बस हमको इस इन सारे नंबर्स को उसके प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देना है। तो आपका ऐसा भी सही है और यह भी सही है, बात समझ में आ रहा है। तो इस चीज को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। इसे देखिए और हम लोग लेते हैं, आइए ऐसे लिखा हुआ हो यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू यन प्लस वन अपान यन, ऐसे लिखा हो जहां n इज पॉजिटिव इंटीजर, लेस देन 5, ओके ऐसे लिखा हो और आपसे कहा जाए कि इसको आप लोग रोस्टर फॉर्म लिखिए, तो हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए आप इसको नहीं समझ नहीं आता रफ में कहीं ऐसे लिख लिया करेंगे n प्लस वन अपान n,
और एन की वैल्यू को 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखते चले जाएंगे। एन की वैल्यू को 1, 2, 3, 4 सॉरी लेते हैं सिर्फ 4 तक ही होगा। अब यहां पर हम सीरीज बनाते हुए चले जाएंगे, कैसे देखिए, एन की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 अपॉन 1, 1 ओवर 1, 2 अपॉन 1 कामा, फिर 2 रखेंगे तो 2 1 3, 3 अपॉन एन की वैल्यू क्या रखे थे 2 ना, तो यहां पे आ जाएगा 2। फिर हम एन की वैल्यू को 3 रखेंगे तो 3 1 4 अपॉन नीचे आ जाएगा 3। फिर एन की वैल्यू को 4 रखेंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन 4। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। ओके, ये हमने दो फॉर्म लिख करके आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और एक ही जान जाइए। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखा हुआ है। ए के अंदर ये सारे हैं, एक सेट ए है उसमें ये सारी चीज लिखे हुए 1 से लेकर 7 तक सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। यदि मैं ऐसे बोल दूं कि जो 7 है वह एक एलिमेंट है किसका, ए का, ऐसे तो ये आपका कहना सही है। ए के अंदर 7 है, यदि यही लिखा होता कि 9 ए का एलिमेंट है तो ये गलत होता, क्योंकि 9 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। और जब 9 इस सेट के अंदर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं, तो ऐसे भी होगा। बात समझ आ रही है? तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना में भी समझ में आपको अब आ रहा होगा धीरे धीरे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आइए सेट बिल्डर फॉर्म में मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर एक्स इज लेस देन 7 ऐसे लिखा हुआ, और इसको आपको लिखना हो, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब ये तो मान लीजिए लिख दिया गया है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो यक्स की वैल्यू रखती जाइए, यक्स की वैल्यू 7 रखिए यहां पे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यक्स की वैल्यू 7 नहीं होगा, यक्स की वैल्यू को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रख सकते हैं, लेस देन है ना, यही इक्वल टू होता तो हम यहां 7 भी रख लेते हैं, लेकिन इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ यहां हम 6 ही रखेंगे। अब देखिए यक्स की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, समझ में आ रहा। फिर यक्स की वैल्यू 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, फिर 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, फिर 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, 5 25 और 1 26, 36 37। ये इसका रोस्टर फॉर्म है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। यही ये तो लिख लिए, क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि 50th एलिमेंट ऑफ ए बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, 50 ए का एलिमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कहेंगे फॉल्स है। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते,
डायरेक्ट कहने के लिए माइंड में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पहले सॉल्व कीजिए तब उसके बाद बताइएगा। तो मे बी यहां तक क्वेश्चन आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं। इस बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया है इस वीडियो के लास्ट में, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सेट के कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो यदि अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमको पता चलेगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।